जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कल उड़ीसा विधानसभा में पारित अपार्टमेंट बिल 2023 पर। यह जो अपार्टमेंट बिल है, यह उड़ीसा में लोगों के लिए, जो लोग अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, उनके लिए, उनकी सुविधा के लिए, उनके हक के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। और वैसे अगर देखा जाए तो क्रेता और विक्रेता, माने जो लोग ओनर अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं उनके लिए, और जो लोग बेचना चाहते हैं अर्थात बिल्डर, दोनों के लिए ही विन विन पोजिशन है। अब मैं उसकी डिटेल्स आज मैं पढ़ के सुनाऊंगा। हमारे पास जो आई थी वो उड़िया में आई थी, अब मैं आपको हिंदी में उसको पढ़ के सुनाऊंगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसके पहले उड़ीसा में 1982 में कानून पास हुआ था, अपार्टमेंट एक्ट, ओनरशिप एक्ट जो है 1982 में पास हुआ था और 1984 में लागू हुआ था। और उसके तहत उड़ीसा का प्रथम अपार्टमेंट जो है वो कटक के कल्याणी नगर में, जो कटक का पूर्वी हिस्सा पूर्वांचल में पड़ता है, सम्राट सिनेमा के सामने एरिया में पड़ता है कल्याणी नगर, उसी में है उत्कल अपार्टमेंट। वह उड़ीसा का सर्वप्रथम माने अपार्टमेंट है उड़ीसा का। उसको एक हावड़ा से आए एक बिल्डर ने बनाया था, और उसके संग में वो जो बिल्डर जो आए थे उनके साथ में कुछ कलकत्ता से, हावड़ा से कुछ लोग भी आए थे। वो आज के दिन भुवनेश्वर में प्रतिष्ठित बिल्डर भी है। अब मैं आपको उसके बारे में चंद बातें बताऊंगा जो कल कानून पास हुआ है, और आशा है एक दो दिन में उसको राज्यपाल महोदय प्रोफेसर गणेशी लाल उसको स्वीकृति देंगे, तत्पश्चात वो नोटिफिकेशन होगा और कानून की शक्ल ले लेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं उसके बारे में। नया अपार्टमेंट कानून में अपार्टमेंट मालिकों के हक में काफी बातें कही गई है। अपार्टमेंट ओनर लोगों को कॉमन एरिया का मालिकाना हक दिया गया है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बिना घर अलॉटमेंट करने पर 5 लाख का जुर्माना बिल्डर को देना पड़ेगा। मतलब इसके पहले बिल्डर लोग मतलब आम तौर पर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जो है उसको देने के पहले ही मतलब दे देते थे वो फ्लैट ओनर को ओनरशिप, और वो सब धांधलीबाजी नहीं चलेगी। पहले ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देना होगा, उसके बाद मालिकाना हक ट्रांसफर होगा, उसके बाद कॉमन एरिया का हक भी जो है रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। और इसमें कोई भी अगर घपलाबाजी करते हैं या कोई भी बिल्डर या प्रोमोटर अगर बदमाशी करता है तो उसके ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा। हमें एक एक पॉइंट, करीब 22-23 पॉइंट है, संक्षिप्त में एक एक करके बता रहा हूं। संघ के बायलो के हिसाब से अपार्टमेंट की परिचालना की जाएगी। मतलब यहां पर है ओनरशिप एसोसिएशन जो है, अपार्टमेंट बिल के हिसाब से ओनरशिप एसोसिएशन बनाया जाएगा, और उस ओनरशिप एसोसिएशन मतलब संघ के बायलो के हिसाब से अपार्टमेंट की परिचालना की जाएगी। नए कानून में व्यवस्था की गई है कि प्रोमोटर या बिल्डर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देने के 30 दिन के अंदर अपार्टमेंट संघ को कॉमन एरिया के समस्त मूल प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था को जरूरी किया गया है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में मैंडेटरी। बिल्डर देंगे ओनर एसोसिएशन को मैंडेटरी किया गया। 3 नंबर है, इसके साथ ग्राहक से ली गई समस्त सिक्योरिटी, मतलब ओनर ये जो फ्लैट ओनर से ली गई समस्त सिक्योरिटी एडवांस के आकार में लिया गया पैसा वापस करेंगे 30 दिनों के अंदर। 4th है, नए कानून के तहत 50% या प्रोजेक्ट के कम से कम 7 ग्राहक क्रेता होने पर संघ का गठन होगा। पहले मालिक संघ को कॉमन एरिया का मालिकाना हक नहीं मिलता था, अब मिलेगा। 5th, अपार्टमेंट बिक्री के साथ साथ कॉमन एरिया का भी
मालिकाना हस्तांतरण हो जाएगा, लेकिन उस एरिया का, लेकिन उस एरिया को खंड खंड नहीं किया जा सकता, टुकड़े टुकड़े नहीं किया जा सकता। इसके उल्लंघन करने पर उल्लंघनकारी को जुर्माना देना होगा। एकदम स्पष्ट क्या लिखा गया है कि कॉमन एरिया को खंड खंड नहीं किया जा सकता, पार्ट पार्ट नहीं किया जा सकता, और जो कॉमन एरिया को खंड खंड करने की कोशिश करेगा उसको जुर्माना देना होगा। छह नंबर, अपार्टमेंट पर मालिक लोग लोन ले सकते हैं। सात, पहले अपार्टमेंट को कॉमन एरिया का मालिकाना हक बिल्डर प्रमोटर के पास होता था, अब रजिस्ट्रेशन कानून 1908 के तहत रजिस्ट्री होगी। पहले क्या होता था, पहले के जो अपार्टमेंट कानून था हमारे राज्य में, उसमें मालिकाना हक जो कॉमन एरिया का जो मालिकाना हक वो प्रमोटर या बिल्डर के पास होता था, लेकिन अब ओनर के पास, फ्लैट ओनर के पास होगा। 1908 माने जो अंग्रेजों के समय में जो कानून बना था उसके तहत वो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा बिल्डर को ओनर एसोसिएशन के नाम में। आठ, 2016 के अपार्टमेंट कानून के तहत अगर कोई रिकॉर्ड ऑफ राइट्स नहीं हुई है तो अब 2023 कानून के तहत हो सकेगा। मतलब इसके पहले अभी जो 2023 का जो कानून अभी लागू हुआ है, समझिए कल पारित हुआ है तो दो चार दिन में लागू होगा, उसके पहले जो 2016 का कानून है उसमें अगर कोई रिकॉर्ड ऑफ राइट्स नहीं हुई है, मतलब ट्रांसफर नहीं हुई है, तो अब 2023 में नए कानून के तहत हो सकेगा, वो भी 3 महीने के अंदर। नो, रजिस्ट्रेशन के समय रेरा पंजीकरण प्रमाण पत्र देना होगा। रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी, रेरा का मतलब होता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी के पंजीकरण प्रमाण पत्र देना होगा रजिस्ट्रेशन के समय, और अगर वो प्रमाण पत्र नहीं होगा दे सकेंगे तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। 10, अपार्टमेंट ओनर संघ के बायदों को मानना पड़ेगा सभी अपार्टमेंट ओनर लोगों को, यह भी मैंडेटरी है। 11, कॉमन एरिया जिस उद्देश्य के लिए रखा गया है केवल उसी उद्देश्य से उसको व्यवहार में लाया जाएगा, किसी की भी अपनी मनमानी नहीं चल सकेगी। 12 नंबर, अपार्टमेंट संघ के नियम कानून को किसी भी तरह से हस्तक्षेप या बाधा नहीं दिया जा सकता। नंबर 13, मालिक लोग अपने खर्चे से मरम्मत कराएंगे कॉमन एरिया की, और मरम्मत भी इस तरह से होना चाहिए कि किसी को नुकसान ना हो। 14, अपार्टमेंट में कोई मौलिक बदलाव नहीं ला सकते। 15, अपार्टमेंट ओनर किराएदार की गलतियों के लिए जिम्मेदार रहेंगे। अनेक बार देखने को मिलता है कि किसी एक बंदे ने अपार्टमेंट खरीद लिया है लेकिन वो वहां पर रहता नहीं है, वो अपने एरिया का जो अपार्टमेंट उसको जो मिला है फ्लैट जो मिला है उसको किसी किराएदार को किराए में दे देता है, लेकिन अगर वो किराएदार किसी तरह की गलती करता है, नियम कानून का उल्लंघन करता है, तो वो फ्लैट ओनर उसके लिए जिम्मेदार होगा, जिम्मेदारी फिक्स कर दी गई है। 16 नंबर, अपार्टमेंट नहीं व्यवहार करने पर भी सारे खर्च देने होंगे। ये ऐसी बात है, मुझे मतलब एक आदमी अगर अपार्टमेंट ले जाता, समझिए एक बिल्डिंग 10 मंजिले की है, लेकिन एक आदमी बोलता है कि मैंने 2 फ्लैट लिया है लेकिन वो व्यवहार नहीं करता, समझिए 2-3 साल तक व्यवहार नहीं किया, और वो बोलेगा कि मैं उसमें जब मैं रहता ही नहीं हूं, मैंने किसी को किराए भी नहीं दिया, तो मैं उसका मतलब जो मंथली जो एक्सपेंसेस होता है मेंटेनेंस का बिल्डिंग का वो मैं नहीं दूंगा, नहीं चल सकता, उसको मेंटेनेंस देना होगा चाहे वो रहे या ना रहे, चाहे किराएदार को रखे या ना रखे, लेकिन अब उसको मेंटेनेंस देना होगा। मुझे अच्छी तरह से मालूम है, यहाँ कटक की झोलाशाही में हमारे एक मित्र ऐसे ही अपार्टमेंट में रहते हैं, और उस वो 7 मंजिले का अपार्टमेंट है और वो 5 मंजिले तक लिफ्ट है, और लिफ्ट को उन्होंने 5 मंजिले तक रखा है क्योंकि 6 और 7 मंजिले में जो व्यक्ति जिसने जिसके हक में वो मतलब
आया है वो फ्लैट जिसने लिया है तो उसने क्या, वो शायद ये भी है प्रोमोटर ही है, वो कभी बाद में बेचेगा बोल के रखा है, लेकिन अगर वो प्रोमोटर भी वहां पर अपना हिस्से का रखा है, बिल्डर रखा है, तो भी अपार्टमेंट ओनरशिप एसोसिएशन के कानून के तहत उसको मेंटेनेंस देना होगा। लेकिन जहां की मैं बात बता रहा हूं कटक के झूलासाई की, वो जो प्रोमोट, वो जो लैंड ओनर था, एक्चुअली लैंड ओनर जो है उसको अपार्टमेंट, उसको जो बिल्डर ने जो दो फ्लोर उसको दिया था, उस बंदे ने वहां पर वो ओनरशिप एसोसिएशन में भाग नहीं लिया कि एनुअल मेंटेनेंस में भी भाग नहीं लिया कि पैसा नहीं दिया। तो एसोसिएशन ने क्या, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, एसोसिएशन ने क्या किया, 5 मंजिले के बाद लिफ्ट बंद कर दी। तो वो बंदा जब आता था या उसके किराएदार आते थे तो वो 5 मंजिले तक तो लिफ्ट में चला जाता था, फिर 6ठे मंजिले या 7वें मंजिले सीढ़ी से चलते चला जाता था। मतलब ये एक तरह से कंप्लीटली बदमाशी है, ये नियत खोटी है बिल्डर की, प्रोमोटर की, या प्रोमोटर के बिहाफ में जो वहां पर किराएदार। लेकिन अब ये जो नया कानून आया है वो कोई भी धांधलीबाजी नहीं चल सकती। आप वहां पर रहते हो तो ठीक है, किराएदार को देते हो तो ठीक है, और अगर मतलब कि लैंड ओनर के हिसाब से भी जो आपको जो अलॉटमेंट हुआ है वहां 2, 4, 5 जितने भी फ्लैट, तो भी आपको वहां पर कानूनन मेंटेनेंस देना होगा, आपकी मनमानी नहीं चल सकती। स्पष्टतया यहां पर उल्लेख किया गया है, मतलब बिल्डर की या नहीं तो लैंड ओनर की, किसी की कोई मनमानी अब नहीं चलेगी, किराएदार की भी। इसका मतलब यही हुआ। 16, अपार्टमेंट नहीं व्यवहार करने पर भी सारे खर्चे उनको देने होंगे। 17, एक अपार्टमेंट के क्रेता चाहे जितने भी फ्लैट खरीदे, लेकिन एक अपार्टमेंट में समझिए, जहां कोई अपार्टमेंट होता समझिए कि 60 वहां पर फ्लैट है और एक व्यक्ति ने 5 फ्लैट वहां खरीद लिया, लेकिन अगर वोटिंग होगी अपार्टमेंट एसोसिएशन के बीच में, कभी अगर वोटिंग देने का माजरा आएगा, अगर कभी नौबत आएगी, तो वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने 5 फ्लैट खरीदे हैं आउट ऑफ 60 मतलब 60, उसकी वोटिंग राइट एक ही होगी, 5 वोटिंग राइट नहीं है, एक ही वोटिंग राइट होगी। इसके अलावा 18 नंबर है, अपार्टमेंट एसोसिएशन गठन के 2 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ये भी है इसमें जरूरी किया गया, मैंडेटरी है ये भी। पहले के 19 नंबर, पहले के सारे संघ भी इसी नए कानून के अंदर परिचालित होंगे, 19 नंबर गया। 20 नंबर, ये 20 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 साल पूरे होने पर बीमा स्ट्रक्चर की गुणवत्ता, मतलब वो बिल्डिंग की, पूरी बिल्डिंग की गुणवत्ता की परीक्षा होगी। इस ये जो आदेश, इसके विरोध में अगर अपील, क्षमता प्राप्त अधिकारी के आदेश के विरोध में अपील की व्यवस्था रहेगी। मतलब सरकार का मानना है, इनडायरेक्टली सरकार का मानना, इससे स्पष्ट तो नहीं है इसका, इनडायरेक्टली सरकार का मानना है कि एक जो बिल्डिंग बनाती है, बनता है बिल्डर के द्वारा, उस बिल्डिंग की टेन्योर ऑफ लाइफ रहती है 30 साल, 30 ईयर्स ओनली। फिर 30 साल के बाद वो जो एसोसिएशन है, फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन, वो जो गवर्नमेंट की जो कंपिटेंट ऑथोरिटी है उनके पास जाएंगे और उनको अपील करेंगे कि हमारा ये 30 साल का कंप्लीट हो गया, अब इस पर क्या आगे की कार्रवाई हो सकती है, क्या व्यवस्था की जा सकती है, आप कृपया हमें मार्गदर्शन करें या आदेश दें। वो अगर, वो जो गवर्नमेंट की जो कंपिटेंट ऑथोरिटी जो है, वो अगर उल्टा पुल्टा अगर आदेश दे देती है तो उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध में अपील करने का अधिकार ओनर्स एसोसिएशन, फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन का रहेगा। यहां यही बात खास तौर पर है, जो आदमी माने बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग में अपार्टमेंट अगर रखता है, लेता है, तो उसको सोच के ही लेना चाहिए कि ये फ्लैट की उम्र जो है वो 30 साल है। इनडायरेक्टली सरकार ने सोचा दिया 30 साल, डायरेक्टली इसकी व्याख्या नहीं की गई है, लेकिन मेरे जो समझ में आई इनडायरेक्टली इसकी, इसको बता दिया गया है 30 साल की उम्र है बिल्डिंग की। 21 नंबर, यदि कोई ओनर संघ के नियमों को नहीं मानता है तो उसकी जगह, मतलब कोई अगर ओनरशिप एसोसिएशन में किसी एक बंदे, कोई एक या दो बंदा अगर नियम कानून का उल्लंघन करता है या नहीं मानता है, तो उसकी सप्लाई लाइन
वो एसोसिएशन काट सकती है, अर्थात पानी की लाइन भी काट सकती है, बिजली भी काट सकती है, बिजली का कनेक्शन भी काट सकती है। ये पूरा पावर दिया गया है ओनरशिप एसोसिएशन को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर है, यदि बिल्डर क्रेता संघ के गठन को अगर देर करेगा या बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का फ्लैट अलॉट करेगा तो उस पर 5,00,000 रुपया जुर्माना होगा। मतलब बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के वो अगर किसी को अगर फ्लैट अलॉट कर देता है बिल्डर या प्रमोटर, तो उसको 5,00,000 रुपया जुर्माना देना होगा। पहले क्या है, पूरा पैसा ले देते थे, अलॉटमेंट भी कर देते थे, वो बोल देते हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई, ये चाबी पकड़ो, चाबी को संभालो। लेकिन अब वो नहीं, सरकार के जो है वो उसको सरकार की ऑथोरिटी से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लाएगा, सर्टिफिकेट दिखाएगा, सर्टिफिकेट देगा ओनर को, फ्लैट ओनर को, उसके बाद ही उसको अलॉटमेंट करेगा। अन्यथा इसमें अगर कोई उल्लंघन करता है बिल्डर या प्रमोटर, उसको 5,00,000 रुपया जुर्माना देना होगा। और उसमें भी है कि अगर इसमें भी अगर वो देर करेगा तो उसको प्रत्येक दिन के हिसाब से 2,000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जुर्माना के तौर पर। इस तरह मैं समझता हूं ये जो नया फ्लैट के संबंध में नया ओनरशिप अपार्टमेंट एक्ट जो बना है, कल उड़ीसा विधानसभा में जो पारित हुआ है और राज्यपाल महोदय के पास भेजा जाएगा, उस तत्पश्चात राज्यपाल महोदय उसको स्वीकृति देंगे, गेजेट नोटिफिकेशन होगा, तब उसमें पूरा उड़ीसा में लागू होगा। मैं सोचता हूँ ये बहुत युगांतकारी क्रांतिकारी कदम है उड़ीसा में निर्माण के क्षेत्र में, आम लोगों के हक में, यहाँ तक कि जो बिल्डर है, सारे बिल्डर चोर है ऐसी बात नहीं है, बिल्डरों में भी बहुत अच्छे लोग भी हैं, भले आदमी भी है, भले मानुष भी है। तो उसमें जो आदमी भले हैं, जो अच्छे हैं, जिनकी काफी गुडविल भी है मार्केट में, उनको घबराने की कोई बात ही नहीं है, उनका तो वैसे भी नाम है। लेकिन जो आज ये जो कानून बना है ये चोरों के ऊपर, जो बदमाश बिल्डर है, जो चोर है, जिनकी नियत में खोट रहता है, उसको नकेल कसने के लिए मैं सोचता हूँ ये कानून लाया गया है। और ये कानून जो है, अगर दोनों फ्लैट ओनर एसोसिएशन, फ्लैट ओनर उनके एसोसिएशन और बिल्डर या प्रमोटर जो भी आप समझें, वो चार मतलब इन दोनों के हक में ये कानून बना है, दोनों के लिए मैं सोचता हूं मेरे हिसाब से विन विन पोजीशन है, और इसको जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर भी देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।